फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अन्नपूर्णी किचन। आज मैंने ले आया हूँ कद्दू की डाटा की सब्जी रेसिपी। ये समर सीजन का रेसिपी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट भी है और हेल्दी भी है। अगर इस वीडियो को आप बंगाली और इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आज का रेसिपी देख लेते हैं। आज का रेसिपी करने के लिए मैंने पहले ले लिया कद्दू की डाटा को। डाटा को हम बारीक काट के वॉश कर लिया था। साथ में ले लिया बॉईल करके पोटैटो, ले लिया बॉईल करके सुरन, ले लिया होममेड दाल का बोरा। आप चाहे तो बाजार में जो बोरा मिलता है वो भी ले सकते हैं। साथ में हम ले लिया एक तेज पत्ते और एक सूखी हुई मिर्ची। ले लिया होममेड स्पेशल गरम मसाला। इस मसाला का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। साथ में ले लिया हम सादा जीरे, अजमोद, ग्रीन चिली और अदरक का पेस्ट। ले लिया हम काला जीरा और स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर। अभी हम एक फ्राइंग पैन पर ऑयल गरम करके उसमें हम पोटैटो को डाल दिया। साथ में डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर। अभी हम पोटैटो को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। पोटैटो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया। अभी इसको हम उतार लेंगे। पोटैटो को उतारने के बाद सेम फ्राइंग पैन पर सेम ऑयल में हम सुरन को डाल देंगे। सुरन को डालने के बाद थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल देंगे। अभी हम इसको भी बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। सुरन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया। अभी इसको हम उतार लेंगे। सुरन को उतारने के बाद हम सेम फ्राइंग पैन पर थोड़ा और ऑयल डालकर हम इसमें दाल का बोड़ी को डाल देंगे और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। अभी हम कोई हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे। इसको भी हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दाल का बॉडी भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया। अभी इसको हम उतार लेंगे। अभी हम एक और फ्राइंग पैन पर ऑयल गरम करके उसमें हम तेज पत्ते और सूखी हुई मिर्ची को डाल दिया। अभी हम इसको बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मिर्ची और तेज पत्ते अच्छे से फ्राई हो गया। अभी इसमें हम काला जीरा डाल देंगे। साथ में डाल देंगे हम कद्दू की डाटा को और इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। अभी हम नमक को कद्दू की डाटा के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम डाटा को मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढककर बॉईल होने देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाकर देख लेंगे डाटा बॉईल हुआ कि नहीं। आप लोग देख सकते हैं डाटा ऑलमोस्ट बॉईल हो गया, लेकिन ये कद्दू का डाटा है थोड़ा सा सख्त होता है, इसीलिए हम फिर इसको 2 मिनट के लिए ढककर बॉईल होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाकर देख लेंगे डाटा बॉईल हुआ कि नहीं। आप लोग देख सकते हैं डाटा बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया। और देखिए पानी भी ज्यादा सूख गया, इसलिए हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया। आप जितना जूसी खा सकते हैं उतना ही पानी ऐड करिए। अभी हम थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल देंगे। अभी हम नमक और हल्दी पाउडर और इस पानी को थोड़ा उबालने देंगे। थोड़ा उबालने के बाद इसमें हम अदरक, ग्रीन चिली, अजमोद और जीरा का पेस्ट को डाल देंगे और साथ में डाल देंगे फ्राई करके रखी हुई दाल का बोड़ी, सुरन और आलू को। हम आलू को थोड़ा सा मैश करके डाल देंगे। इसे सब्जी बहुत ही ज्यादा भुना भुना होता है। हम आलू को हाथों से थोड़ा सा मैश करके डाल दिया। अभी हम मीडियम फ्लेम पर सब्जी का जूस को थोड़ा सा सूख जाने देंगे और सब्जी भी थोड़ा भुना भुना होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद आप लोग देख सकते हैं सब्जी का जूस थोड़ा सूख गया और सब्जी भी कितने अच्छे से भुना भुना हो गया। अभी हम इसमें होममेड स्पेशल गरम मसाला डाल दिया। अभी हम मसाला को बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे।
हम मसाला को बहुत ही अच्छे से मिला लिया। अभी हम सब्जी को एक बॉल पर उतार लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारा आज का रेसिपी कद्दू की डाटा का सब्जी रेडी हो गया। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर भी कितना सुंदर आया है और ये कितना जूसी भी है। आप लोग इसको राइस के साथ या तो फिर रोटी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे आज का वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।